रूपा जी देख रहे हैं कि ऐसे सीट के नवंबर में आता 6656 पर कारोबार कर रहा है और 6600 का हाई लगा चुका है, 1.25% की तेजी है। रूपा जी आपका जो टारगेट था 6500 का, आपने आखिरी बार जब आपसे जब बात हुई थी कैसे सीट के रिगार्डिंग, तो आपने बताया था कि कैसे सीट की कीमतें ऊपर में 6500 का लेवल टच करती हुई नजर आ सकती हैं। आज देख रहे हैं कि 6600 का हाई लग चुका है, आपका 6500 का लेवल आज अचीव हो चुका है। रूपा जी यहाँ से आपको क्या लगता है कि यहाँ से कैसे सीड सस्टेन हो पाएगा इन कीमतों के ऊपर, और क्या कैस्टर में और तेजी देखने को मिल पाएगी? अखिलेश देखिए, तेजी तो इस कमोडिटी में है जी, लेकिन जो ये तेजी आ रही है वो रुक रुक कर देखने को मिल रही थी। अब जो आज हमने देखा 6600 के ऊपर मार्केट निकला है नवंबर वायदा, जो कि हम 6500 का टारगेट लेकर चल रहे थे, अभी 6600 के ऊपर निकल चुका है। अब यहाँ से आप मान के चलिए कि अगर ये 6500 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको कोई बड़ी बात नहीं, 6800 से लेकर 7000 का भी स्तर दिखा दे, क्योंकि अच्छी खासी तेजी फिलहाल इसमें इस सेक्टर के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। निर्यात मांग अच्छे खासे हैं, अभी जो है फेस्टिवल सीजन के चलते डिमांड और पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है, तो मुझे लगता है कि इसमें तेजी बनी रह सकती है। थोड़ा बहुत डिप भी एक्सपेक्टेड है, 6200 तक नीचे लुढ़क भी सकता है। 6200 से लेकर ऊपर में 6500 के बीच फिलहाल ये रेंज है, 6500 के ऊपर निकलता है तो आप 6800 से लेकर 7000 का टारगेट इसमें मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं जी। तो यानी कि अगर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पे अगर कैसे सीट का वायदा बाजार सस्टेनेबिलिटी दिखा देता है और 6600 के ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिलते हैं, क्लोजिंग आ जाती है, तो 6800 से लेकर 7000 तक के भी लेवल्स रूपा जी के अनुसार कैसे सीट की कीमतों में नवंबर वायदा में देखने को मिल सकते हैं।